गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्मिताज लाइफ। तो कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्ती में होंगे। इसी कामना के साथ मैं अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है स्मिताज लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं गाइज फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अपने नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट करके रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ वो उसका नोटिफिकेशन उनको जाए और कोई भी वीडियो उनसे स्किप नहीं हो। तो मैंने लास्ट ब्लॉग मैंने आपने जो देखा होगा उसमें मैंने बताया कि ये फ्राइडे का ब्लॉग था और मैं मंडे को पोस्ट की थी। रीज़न भी यही था कि अगर मेरे पिछले ब्लॉग आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि छोटी दी का अपॉइंटमेंट था फ्राइडे एंड सैटरडे को, और वो गई थी छोटी दी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनसे, कि छोटी दी मेरे बच्चों की केयर टेकर हैं। वो पिछले एक साल से हमारे साथ रह रही हैं, तो हमारी फैमिली मेंबर की तरह हैं। उनके पास लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो हमारे पास एज ए हेल्प के लिए आई थी। उनके दो बच्चे हैं तो हम उनको अपने पास फैमिली मेंबर की तरह हमने उन्हें रखा है। एक साल से वो हमारे साथ रह रही हैं, मेरे लिए लाइक वो सिस्टर हैं, क्योंकि ईरा इवैन को वो जैसे अंशु मासी है उनके लिए वैसे ही छोटी मासी भी है। और उनके दोनों बच्चों को मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे लिए अर्शी दैविक है वैसे ही मेरे लिए उनके भी दोनों बच्चे हैं। तो वो मेरी बच्चों की केयर टेकर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि वह वो केयर टेकर नहीं रह गई हैं, वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं जो मेरे साथ रह रही हैं और मेरे बच्चों को पालने में मेरी मदद कर रही हैं। तो हमें जब मैं यहाँ आई अपनी बहन की शादी से, तो मैं बस 10 दिन के लिए आई थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे ही आ गई थी। ईरा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मैं मुझे ऐसा था कि मैं एक बार यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, तो इस वजह से मैं इमीडिएट डिसीजन लेके यहाँ आ गई थी। हमारा ऐसा था कि हम 5-6 दिन में फिर रिटर्न कर जाएंगे, बट सडनली उनके पूरे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, स्किन डॉक्टर से, फिर उन्हें स्किन डॉक्टर से दिखवाया, देन उन्हें हम जनरल फिजिशियन से भी हमने कंसल्ट किया, तो उनकी वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। फिर अगेन उनके स्टमक में पेन होने लगा, तो हम यहाँ के सर्जन हैं रांची के, बहुत बड़े काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट सर्जन हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट लिखा था। ये प्रोसेस ऐसा लग रहा है कि वुमेंस डे पे जब मैंने ब्लॉग डाला था, मैंने तभी आपको बताया था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगर हमारा जाने का डिसीजन अभी नहीं होगा, क्योंकि उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका तबीयत अगर ठीक रहेगा तभी हम डिसीजन लेंगे। बट क्या हुआ है कि अब इतने सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर को पता नहीं कुछ चीज़ों की डाउट हो गई, और फिर उन्होंने उसके टेस्ट लिखे, और फ्राइडे सैटरडे का अपॉइंटमेंट था उनका एंडोस्कोपी का, क्योंकि उनके पेट में डॉक्टर ने बोला कि लिम्स नॉट बन गए हैं बहुत सारे मल्टीपल, तो उनको एंडोस्कोपी से उसकी सर्जरी हो जाएगी। बट सीटी स्कैन का रिपोर्ट थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू अस नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंट आया था, तो उन्हें इमीडिएट एडमिट कर लिया गया सैटरडे को उन्हें एडमिट कर लिया गया है। तो हम काफ़ी उसी में परेशान चल रहे हैं, दैट्स वाई मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया अभी। तो उनके कई टेस्ट करवाने बाकी हैं, 2-3 टेस्ट हुए हैं, इसके नॉर्मल रिजल्ट आए हैं, आज उनका बायोस्कोपी होगा। बायोस्कोपी के बाद क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि उनकी सर्जरी का डेट कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो वो एडमिट है, घर पर सिर्फ मैं और मम्मी हैं और चार बच्चे बोलूँगे, आशी, ईरा, इव्यान, अर्जुन, तो चार बच्चे हैं एंड मैं और मम्मी। और मम्मी का भी सैटरडे रात में तबीयत खराब हो गया था, तो काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था सॉरी, क्योंकि मैं नहीं कर पाई ब्लॉग शूट, और मैं डाल भी नहीं के मैंने फ्राइडे का ब्लॉग मंडे को पोस्ट किया था। तो यही रीज़न है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी उनके लिए प्रेयर करो, छोटी दी जल्दी से ठीक हो जाए, चीज़ें स्मूथली रन करने लगे, और हम सब बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर से हमें कंसल्ट कर रहे हैं। बाकी वो अभी ठीक हैं, उनसे बात होती रहती है हमारी, और हम ऐसे विजिट करते हैं, लेकिन वहाँ किसी को रुकने के लिए अलाउड नहीं है, तो वहाँ रोज़ हमारा डेली विजिट हो जाता है उनसे मिलने के लिए। और अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, तो ठीक है, चीज़ें सब भगवान करे कि सब अच्छे से हो जाए, उनकी जो भी उनका प्रॉब्लम है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, वो पहले से फिर से हेल्दी लाइफ स्टाइल में आ जाए, और देखते हैं फिर क्या होता है आगे का डिसीजन। तो अब
अभी तो वो हॉस्पिटल है, आएंगी फिर उनका थोड़े दिन के लिए उनको शायद डॉक्टर रेस्ट पे रखे, तो फिर देखते हैं कि हमारा जाने का क्या प्लान बनता है, क्योंकि सब उनके, मैं अकेले तो जा नहीं सकती, उनको लेकर ही जाऊंगी और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पता नहीं। और देखो कितनी गर्मियाँ बढ़ गई है गाइस, बहुत गर्मी, मतलब यहाँ तो ऐसा है, रांची का तो वेदर इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर गर्मी बहुत है तो शाम तक ऐसा है कि क्लाउड आ जाएगा और बारिश हो जाएगी, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो इतना गर्मी नहीं होता है, बट बनारस में गर्मी बहुत ख़राब पड़ती है। दिल्ली की गर्मी आप जानती हो कितनी बुरी है, तो दिल्ली का गर्मी मैंने झेला हुआ है तो मुझे पता है कि बनारस में भी गर्मी कैसी होगी, क्योंकि बनारस की गर्मी मैंने अभी तक बर्दाश्त नहीं की, क्योंकि कभी ऐसा रुकना हुआ नहीं वहाँ पे गर्मी में। बट देखते हैं, अगर जाऊँगी तो पता चलेगा कि गर्मी की सिचुएशन वहाँ क्या है। इनसे बात होती है तो ये हमेशा बताते रहते हैं कि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, तो पता नहीं देखो क्या होता है। तो इसी होप के साथ कि छोटी दी जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी, जितना हो सके मैं शूट करूँगी आप लोग के साथ। और मेरे ब्यूटी टिप्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ आप बताया करो, प्लीज़ मेरे साथ अपने कमेंट्स में मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करो, तभी मैं अधिक से अधिक लेकर आऊँगी आपके लिए ब्यूटीज। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन या हेयर रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। घर में आया है नया मेहमान इवियन का, बिंगो, BINGO, बिंगो इवियन का फेवरेट टाइम्स का। कौन सा लेबरा डॉग है ना ये? लेबरा डॉग। तो ये आया है हमारा घर में नया मेहमान बिंगो, इरा इवियन का न्यू फ्रेंड एंड आरसी का। हाँ, इवियन इसको देख के बहुत खुश है। हट हट इवियन, कौन आया है? खिला इरा, कौन आया है, मोती या बिंगो? इसको अभी क्या दोगे? इसको तो पनीर वनीर दोगे क्या? मिल्क सेरेलक खाएगा? अरे बाप रे इरा, तुम्हारे सेरेलक पे अटैक होने वाला है। हाँ जाओ इवियन जाओ। बिंगो, योर स्वामी इज कॉलिंग यू। अरे बिंगो, नो नो, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर बिंगो। उसको लग रहा है लीवर का दवाई इसको चलेगा। अरे मेरे पास है, दे देंगे, प्रॉपर न है। मार्केट डिमांड इवियन, इवियन कौन आया है? इवियन, इवियन कौन सा सेरेलेक खाएगा? 0 to 6 month देखे। अरे यार, तो यही सेरेलेक जो ये लोग खाता था, आयरन रिस्ट।
बारे बिंगो। इवियन क्या बिंगो तुम्हारा सो गया है? इवियन डांट दो तो बिंगो को डांट दो। हम लोग के घर में एक चीज आया, न्यू फ्रेंड आया है ना, तुम न्यू फ्रेंड आया हम लोग का, उनका नाम हम लोग रखे हैं क्या, बिंगो। बिंगो और फ्रेंड्स हम लोग उसको बहुत वो हम लोग का बहुत अच्छा फ्रेंड है और उन लोग हम लोग को खाना भी खिलाएंगे और उसको खिलाएंगे भी बहुत प्यार। टाइम है आज का ब्यूटी टिप्स का, तो आज का ब्यूटी टिप्स मैं ये दे रही हूँ कि गर्मी आ गई है तो आप जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे उतना ज़्यादा स्किन और हेयर की प्रॉब्लम कम होगी। तो आप कम से कम दिन भर में 12 ग्लास पानी जरूर पियो, हो सके तो नारियल पानी लो, जूस लो, लिक्विड फॉर्म जितना ले सकते हो लो, क्योंकि गर्मियों में एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, हमारे बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा पानी की पानी कंजम्पशन करो, वाटर कंजम्पशन आपका ज़्यादा हो दिन भर, 12 से 13 ग्लास पानी तो आपको जनरली लेनी ही है और उसके ज़्यादा भी आप ले सकते हो, क्योंकि बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहेगा उतना ज़्यादा आपके स्किन पे ग्लो करेगी, उतना ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लगाने से भी ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है जब आपका स्टमक का प्रॉब्लम नहीं हो, जब आपका बॉडी इंटरनली भी हाइड्रेटेड रहे तो ही स्किन और हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज का ब्यूटी टिप्स भी यही है कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो और खूब से खूब पानी पियो। मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you.